हाय एवरीवन, माय सेल्फ पुलकित शर्मा, थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम जेएलएन अजमेर। तो आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं नीट के रिजल्ट के बारे में। जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ तो सोचता हूँ ये नीट के रिजल्ट से पहले का आखिरी वीडियो है, अगला जो भी वीडियो बनाएंगे रिजल्ट के बाद में बनाएंगे। पर क्या करें, चीज़ें ही ऐसी होती जा रही हैं कि वीडियो बनाना पड़ने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि आखिर क्या हो रहा है नीट के रिजल्ट को लेके। तो पहले तो राजस्थान में पेपर लीक का केस सामने आ जाता है, फिर केरला हाई कोर्ट, महाराष्ट्र हाई कोर्ट, अब नया केस सामने आया कि यूपी पुलिस ने 25 स्टूडेंट्स की लिस्ट दी है एनटीए को कि इनका रिजल्ट पब्लिश ना करें, इसलिए डिले होने की बात सामने आ रही है। तो मेरे समझ नहीं आता कि इन 25 लोगों को वो काउंसलिंग प्रोसेस से भी तो बाहर कर सकते थे, रिजल्ट अनाउंस कर देते उन 25 लोगों का, पर काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर कर देते। ऐसा तो है नहीं है कि मार्क्स से आपको कॉलेज मिलता है, आपको अपनी काउंसलिंग में काउंसलिंग करवानी पड़ती है तभी तो आपको कॉलेज मिलता है। हर साल फिक्स तो है नहीं है ना कि 15,000 रैंक तक कॉलेज मिल जाएगा, इससे ऊपर नीचे नहीं मिलेगा। तो काउंसलिंग से बाहर कर सकते थे अपना, और लोगों का तो रिजल्ट जारी कर देना चाहिए था। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट में ये बोलना है कि हमारे पास रिजल्ट रेडी है, बस हमको बॉम्बे हाईकोर्ट की वजह के स्टे की वजह से हम रिजल्ट अनाउंस नहीं कर पा रहे, तो आपको पहले ही अनाउंस कर देना चाहिए था उसी दिन जिस दिन हाईकोर्ट का स्टे हटा था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो तभी रिजल्ट अनाउंस कर देना चाहिए था। अभी पता नहीं कब आपका रिजल्ट अनाउंस होगा, ऑलरेडी आपके 50 डेज के आसपास हो चुके हैं, अभी पता नहीं आपको कितना और इंतज़ार करना पड़ेगा। ऑलरेडी बहुत लेट एग्ज़ाम हुआ है नीट की हिस्ट्री में, मतलब सबसे लेट एग्ज़ाम पिछले साल की तरह, पिछले साल भी सेप्टेम्बर में हुआ था, इस साल भी आपका सेप्टेम्बर में एग्ज़ाम हुआ, और अब ऑलरेडी इतना लेट सेशन हो चुका है, अक्टूबर भी पूरा चले गया है, नवंबर दिसंबर और आधा जनवरी काउंसलिंग में चले जाएगा, 2 से 2.5 महीने का वक्त लगता है, आपका सेशन ऑलमोस्ट फरवरी से स्टार्ट होगा, तो सब कुछ चीज़ें डिले होती जा रही है। मैंने आपको पहले भी बोला था कि आप यूट्यूब चैनल पे देखोगे, कई सारे यूट्यूब चैनल्स पे आप देखोगे कि वो कॉल कर रहे हैं एनटीए के लोगों को, तो उनके जो रिसीव कर रहे हैं कॉल सेंटर में लोग, वो बता रहे हैं आ जाएगा कल आएगा, तो उनको कोई पता ही नहीं है। ये ऑफिशियली अनाउंस बहुत ऊपर के लेवल के अधिकारी होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि कब अनाउंस करना है, तो अब आप पैनिक ना करो तो ही बेटर है। ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों को एंजाइटी है, बच्चे परेशान हैं बहुत दिनों से, सुबह शुरू उठते ही परेशान होना शुरू कर देते हैं कि आज रिजल्ट आएगा, आज रिजल्ट आएगा। जिनके मार्क्स अच्छे हो भी है उनको भी अपनी रैंक जानने की एक्साइटमेंट है कि कौन सी रैंक आएगी, क्या आएगी, पर इट्स बियॉन्ड अवर कंट्रोल। आपको इसके बारे में अब ज़्यादा सोचना नहीं है, आपको आराम से चिल रहना है, जब भी आएगा आ जाएगा। अब चेंज तो कर नहीं सकते, जो भी होगा वो तो सबके साथ हो रहा है ना, तो आप आराम से रिलैक्स रहिए, किसी को कुछ नहीं पता कब आएगा। यूट्यूब पे वीडियोस रिजल्ट के रिलेटेड देखना छोड़ दीजिए, आराम से चिल रहिए, और जो 2022 के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं वो अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत करो। कुछ लोगों ने ये सोच रखा है कि रिजल्ट आएगा उसके अगले दिन से पढ़ना शुरू करेंगे, तो फिर हो लिया आपका काम, अगले साल भी यही होगा, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, तो अभी से पढ़ना शुरू करना है। इसके लिए अपने को क्या करना है, अपन एन अकेडमी पे फ्री लाइव क्लासेस लेना शुरू कर दो। फ्री लाइव क्लासेस है, आपने ऑलरेडी 2 महीने के आसपास टाइम वेस्ट कर दिया है, जो बच्चे रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं सिर्फ, जबकि उनको पता है उनका मार्क्स अच्छा नहीं आ रहा है, उनको नहीं मिलेगा कॉलेज, ऑब्वियसली अगले साल की तैयारी करनी है ना, या फिर अगले साल भी यही हालत करनी है अपनी, तो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो सीरियसली। अनअकैडमी पे आप फ्री क्लासेस लेने आओ, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके फॉलो कर लो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पर शेड्यूल मिलता जाएगा प्रॉपर, तो क्लासेस लेने आओ, कोई भी क्लासेस मिस मत करो, और जहाँ से भी आप पढ़ाई कर रहे हो वहाँ से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करो। इस टाइम आपके पास समय नहीं है कि आप अफोर्ड कर पाओ, दिवाली में चले जाएंगे अगले कुछ दिन, फिर उसके बाद में आपका फिर नवंबर आधा चले जाएगा दिवाली के बाद, तो फिर टाइम ही कितना बचेगा, एनटी का कोई भरोसा नहीं है, मई में पेपर ले ले, जून में पेपर ले ले, कोई भरोसा नहीं है, तो आपको जल्दी से जल्दी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। कल संडे, संडे को कॉम्बैट दे लेना है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉम्बैट का लिंक मिल जाएगा, अनअकैडमी कॉम्बैट अगर आप दोगे तो आपको स्कॉलरशिप्स मिल जाएंगी अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो अनअकैडमी का, और अगर सब्सक्रिप्शन नहीं लेते हो तो भी अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो आपको अमेजोन वाउचर्स मिल जाएंगे अगर आपकी रैंक अच्छी आती है, ठीक है। तो अपन मिलते हैं अगले वीडियो में होपफुली कोई अपडेट के साथ, रिजल्ट का तो पता नहीं कभी आएगा, कोई अपडेट हुआ तो मैं आपको इस चैनल पर बता दूंगा, और भी काउंसलिंग से रिलेटेड जब काउंसलिंग शुरू होगी, अगर रिजल्ट आ ही जाता है तो काउंसलिंग जब शुरू होगी तो उसके बाद बहुत सारे वीडियोज़ काउंसलिंग के बारे में आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।